सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां टूटे हुए बिजली के तारों की चपेट में आने से कई जानवरों की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। जियावन गांव के सेमरा नदी के पास 11,000 केवी लाइन के बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिर गए। इन तारों में करंट था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने देवसर बिजली विभाग के अधिकारियों को दी थी। इसके बावजूद बिजली विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे सुबह खेत में चरने निकले दर्जनों गाय बैल करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही को SDM विकास सिंह ने गंभीरता से लिया है और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को इस घटना के लिए दोषी पाया है। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों को प्रशासन ने शांत कराया और उचित मुआवजे के साथ दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। रात को बिजली का तार टूटने से तार जमीन पर गिर पड़ा था और सूचना रात को बताया जा रहा है गाँव निवासियों के द्वारा कि रात को ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिजली का तार न जोड़ने के लिए न बिजली का ये लाइन काटने के लिए कोई वहाँ पहुँचा, जिसके कारण सुबह मवेशी उसके घास चरने के लिए उधर गए तो उसमें बिजली के तार के चपेट में आ गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।